हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टूर है वह वृंदावन गार्डन का है। वृंदावन गार्डन भारत की कर्नाटक राज्य के मैसूर ज़िले में स्थित है और यह भारत का सबसे खूबसूरत और विशाल गार्डन है। यूँ कहें कि वृंदावन गार्डन मतलब आप ये यूपी वाले वृंदावन से ही समझ लीजिए। यहाँ यह बहुत यह गार्डन अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भारत के कोने कोने से पर्यटक इस गार्डन को देखने आते हैं। यह करीब 61 एकड़ में बना हुआ गार्डन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो नाइट का समय है। आप मॉर्निंग में आए तो काफ़ी बड़ा गार्डन है। इसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं, बहुत सारे फाउंटेन लगे हैं। आप वृंदावन सुबह के 8 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक यह खुला रहता है और यहाँ पर जो फाउंटेन शो जो होता है वो शाम के वक्त होता है। शाम के 6:30 बजे इसका प्रथम शो होता है, सेकेंड शो जो होता है वो 7:30 बजे और लास्ट शो 8:30 बजे होता है। 9 बजे वृंदावन गार्डन बंद कर दी जाती है। इस लेजर वाटर शो में बॉलीवुड सॉन्ग्स को जलाया जाता है और लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं। यहाँ देखने के लिए एक सीढ़ी नुमा स्पेस बना है, जैसे यहाँ जहाँ पर बैठकर दर्शक इस सीन को देखते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। यह फाउंटेन शो रात में ही देखने में अच्छा लगता है, दिन में फाउंटेन शो नहीं चलता है। आप जब भी यदि लेजर लाइट शो देखना चाहते हैं तो शाम के 6:30 बजे के बाद ही आएँ, लेकिन यदि आप वृंदावन गार्डन आप नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में आएँ। ये रात के 8:30 बज चुके हैं, लास्ट फाउंटेन शो ख़त्म हो चुका है, लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ की बहुत कमी है, यहाँ पर LED लाइट बहुत कम लगाया गया है। मैं भारत सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि यदि इतना बड़ा फाउंटेन शो हो रहा है और इतना बड़ा वृंदावन गार्डन है तो इसमें लाइट्स की व्यवस्था अच्छी की जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर देखी थी लाइट जैसे ही बंद होती तो अंधेरा सा छा जाता है। हमारी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कितने पर्यटक बैठे हैं पर लाइट कितनी कम है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
यहाँ पर कुछ दर्शक बैठे हैं, ये लास्ट 8:30 बजे का शो देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन यह 8:30 बजे का शो, वैसे तो ये आधे घंटे का शो होता है, लेकिन लास्ट शो को केवल 5 या 10 मिनट किया गया था, जिसके देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग भी करीब लास्ट शो ही देखने के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में लोग बैठे हैं और बहुत उत्सुकता से इस वाटर फाउंटेन शो को देखने के लिए उत्साहित हैं। तो दोस्तों, वृंदावन का फाउंटेन शो हमने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। यह वाटर फाउंटेन शो मैंने बचपन में भी देखा है। फिलहाल तो मैं अपने बच्चों को लेके मैसूर के वृंदावन गार्डन आई। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर रात में लाइट की बहुत कमी है, लेकिन वाटर फाउंटेन शो रात में ही चलता है, रात में ही देखने में मज़ा आता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वृंदावन गार्डन का फाउंटेन शो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बच्चों को आप देख सकते हैं कि फाउंटेन शो के देखने के बाद ये लोग बिल्कुल मस्ती में डूब गए हैं, और यहाँ बच्चे बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं जो कि फाउंटेन शो में बज रहा था। इनके दिमाग पर इतना असर हुआ है कि अभी भी ये लोग नाच ही रहे हैं। बहुत मस्ती किया, बहुत इन्जॉय किया, और इसके बाद हम लोग अपने घर को लौटे। मैसूर फाउंटेन शो के बारे में आपकी क्या है राय है? यदि आपको ये फाउंटेन शो पसंद आए तो यदि ये फाउंटेन शो आपको पसंद आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में वेरी गुड जरूर लिखिएगा। वृंदावन गार्डन बहुत बड़ा है, ये अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए फेमस है। दोस्तों, यदि आप वृंदावन गार्डन दिन में घूमने आए तो आप बहुत तरह के रंग बिरंगे फूल पौधे और इसकी कलाकृतियां देखने मिलेगी। दोस्तों, यहां पर कई फिल्म बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है, और साथ ही यहां का नज़ारा दिन में भी देखने लायक है और रात में भी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।